नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बी टाउन की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत का भले ही इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन सलमान खान के साथ वह बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। जी हाँ, हाल ही में एक्ट्रेस ने सल्लू मियाँ के साथ एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है। कंगना रनौत और सलमान खान का बॉन्ड काफी अच्छा है। जी हाँ, एक्ट्रेस अक्सर जो है सलमान या उनकी फैमिली पार्टीज में शामिल होती रहती हैं। वह एक्टर के द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में भी अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए आती रहती हैं। हाल ही में कंगना ने सलमान के साथ पुराने पलों को याद किया है और इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना रनौत ने एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है जो सलमान खान के रियलिटी शो यानी कि 10 का दम का है। क्लिप में देखा जा सकता है कि एक सेगमेंट में कंगना घाघरा चोली पहनकर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की फिल्म बेटा के गाने पे धक धक करने लगे वाले गाने पे डांस करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल सलमान खान और कंगना को इस गाने पर डांस करता देख खुश हो रही हैं। साथ ही एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए भाईजान ने कहा, क्या कमाल लग रही हो, दोनों मजेदार मोमेंट को खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान ने भले ही अभी तक कंगना के इन सवालों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन वीडियो का कमेंट बॉक्स जो है फैंस के रिएक्शन से फुल हो गया है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लोग उन्हें फिल्म में एक साथ काम करते हुए देखने की जो इच्छा है वो जाहिर कर रहे हैं। उम्मीद है कि कंगना और सलमान फैंस की ये तमन्ना पूरी करेंगे और सलमान खान आखिरी बार किसी का भाई किसी की जान में दिखाई दिए थे। उनकी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 है जिसमें वे कटरीना कैफ के साथ नजर आने वाले हैं। मनीष शर्मा की निर्देशित फिल्म जो है 10 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी और कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही हैं और फिल्म जो है 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई दिखाई देने वाली है। तो इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।